हम लोग को सनसन बहुत बुरा है, अभी रात से 2 बजे तक नहीं सोया है। अभी डैम बढ़ गया, ऊपर से मैसेज आया था, तब से हम लोग नहीं सो रहे हैं। इतना भयंकर अवस्था, खोला का बड़े बड़े अवस्था, रोड तक पानी भरा है, हम लोग रोड भर नहीं आया। गांव में कितना बीमारी आदमी है, कितना पैरालाइज हुआ आदमी है, बच्चा बच्ची है, इतना दर्द हुआ। एनएचटेन का हालत कैसा है? एनएचटेन का हालत बहुत खतरा है। जब तक ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट बना तब से ये बहुत खतरा है। अभी ये वॉल बना, जब एनएचपीसी फर्स्ट में आया था तो वो वॉल में जब बांध बना था, बांध बनने का तैयार हुआ, जब डैम बना था उसी टाइम में वॉल शुरू किया, प्रोडक्शन वॉल, उस तक अभी तक रिपेयरिंग नहीं किया। सिचुएशन ऐसा है कि एनएचटेन का इतना हाल बुरा हो गया है, कम से कम 3 मंथ्स में भी ये कम्प्लीट हो नहीं सकता है, क्योंकि बारिश का वजह से स्लाइडिंग हो गया है। इतना जगह हो गया ना, आपको क्या बताएं, 10 जगह से ऊपर हो गया, नहीं 1 किलोमीटर का आगे में तो आपको 10 जगह से भी ज़्यादा हो गया। कम से कम 3 मंथ्स में तो कम्प्लीट हो नहीं सकता है, इतना ये हो गया एनएचटेन का हालत। सबसे बड़ा बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है, एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है, जब तक ये आगे तो 5 साल आगे जो प्रोटेक्शन वॉल था उसको अच्छा से अच्छा तरीका से नहीं किया है, तब ये वजह से भी ये हो गया है। क्या अभी तक बहुत गांव भी बह गया है? गांव बह गया है तो आपको तो ये गेलखोला में है तो आपको तो नहीं होने से भी 10 घर से इसे पड़ा हुआ है। अभी तो वो लोग का तो रहने का जगह भी है ही नहीं। इसका आगे कोई गवर्नमेंट का तरफ से कोई उसको राहत मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। नदी में पानी किस तरह से बह रहा है? नदी तो बहुत स्पीड में चल रहा है, क्योंकि रात के 2 बजे से ऐसे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है आदमी, इतना सारे गाँव बैठा हुआ है। तारखोला से खबर आया था कि वो एक फैमिली को पूरा फ्लश आउट करके लेके गया नदी, और वो आर्मी का कुछ जवान भी शायद वहाँ से 23 जवान भी वो न्यूज़ में, यहाँ से हम लोग इतना नहीं जा पा रहे हैं कि किसी को मदद कर सके। जो हम लोग कर रहे हैं अभी, हम लोग का टीम पूरा लगा हुआ है ये सबको हेल्प करने के लिए। अभी यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करके आए हम लोग, रैंक में 9 फैमिली था, उसको वो घर वर सब चला गया वो लोग का, तो अभी हम लोग राशन दे के वो लोग को हम लोग का कम्युनिटी हॉल में रिहैबिलिटेशन।